है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, ये मेरे हाथ में है मॉन्स्टर का काउल, जो कि आपको R15 वर्जन 4 मॉन्स्टर एडिशन। ये टूटा हुआ था भाई को और कहीं पे सूरत में मिल नहीं पा रहा था। कंपनी में गए 2-3 बार, उन्होंने भी आगे की डेट दी कि भाई आने वाला है। देन भाई ने हमारा वीडियो देखा और भाई हमारी शॉप पर ऐसे ऑटो में आए और ये जो मॉन्स्टर का काउल है इनको मिल गया और फाइनली लगा दी, हमने इंस्टॉलेशन कर दिया है। देन उसके बाद हमने करी है गैब्रियल की इंस्टॉलेशन। गैब्रियल की इंस्टॉलेशन इसलिए दोस्तों के पहले भी ये काउल टूट चुका है किसी वजन के कारण, और अब सेकंड टाइम ये टूटे नहीं और एक्स्ट्रा कुछ खर्चा आए नहीं, डेट्स वाई हमने इंस्टॉलेशन कर दी है गैब्रियल। देन नीचे बात करते दोस्तों तेल टाइडी, देन इंडिकेटर आप देख रहे होंगे बहुत ही शॉर्ट इंडिकेटर है और इसका जो फोकस है बहुत ही हार्ड फोकस है। देन वार्निंग पट्टी, देन बात करते हैं दोस्तों टैंक पेट। ये है अपने टैंक पेट, जो कि अपने जो साइड के जो घुटनों से यहाँ पे स्क्रेच आ जाती है वो उसको स्क्रेच लगने से बचा लेते हैं टैंक पेट। देन बात करते हैं एचजेजे का, मोबाइल होल्डर आपके सामने है। और नेक्स्ट एसेसरी दोस्तों व्हील कवर, जो कि आपके सामने है फ्रंट एंड बैक। बैक में लगाई हुई है फुल जो हमारी डिस्क कवर है विद रेडियम के साथ। एट नाइट ये जो रेडियम है आपको एट नाइट में दिखने वाले हैं, ताकि सामने वालों को मालूम पड़े कि कोई बाइक जा रही है। तो दोस्तों ये थी फुल मॉडिफिकेशन हमारी R15 वर्जन 4 मॉन्स्टर एडिशन। और मेन टॉपिक था ये हमारा सीट काउल, जो कि भाई आए हुए हैं। कहाँ से आए भाई? कड़ोदरा से आया हूँ भाई। कड़ोदरा से आए हैं और ये जो मॉन्स्टर का काउल है इनको मिल नहीं पा रहा था। पिछला वीडियो इन्होंने देखा R15 का और मिल गया हमारी SH ऑटो में। तो भाई कितने टाइम से परेशान थे आप? मैं करीबन 4 महीने से परेशान था, कंपनी से भी तपास कर रहा था पर मिल नहीं रहा था। वो खाली 2 महीने बाद आओ। फिर मैंने देखा इनका यूट्यूब पे HS करके, ये R15 पे रिलेटेड जितने भी वीडियो डालते हैं ये भाई, उनको देख के मैं यहाँ पे आया उनके शॉप पर। सो फाइनली मिल गया काउल। यस हैप्पी। सो गाइज ये थी फुल मॉडिफिकेशन और भाई का काम हो चुका है। तो भाई सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सभी जो हमारे राइडर है जिनके पास R15 है, उनको सबसे पहले हम सजेक्ट करते हैं ये गैब्रियल। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, बट ये सेफ्टी के पर्पज से बहुत ही अच्छी एसेसरी R15 की, क्योंकि जो बैक के जो काउल है बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ा सा वजन आने से या वेट आने से चढ़ने उतरने में ये टूट जाता है। तो डेट्स वाई आप सबसे पहले अगर लेते हैं R15 या कोई भी स्पोर्ट बाइक, सबसे पहले जो क्रश गार्ड है और आप जो ये गैब्रियल है आपकी बाइक में जरूर इंस्टॉल करवाए। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।